हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग के साथ। और मैं आज थोड़ी उदास हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा कुछ भी काम में। जो भी काम कर रही बस जबरदस्ती का कर रही, पता नहीं क्या हो रहा। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पूरा दिन ऐसा होता है कि किसी के साथ मत बोल, किसी से कुछ भी बात करने को मन नहीं करता। भाई काम तो करना पड़ता है, पर ये है कि बोलने जो मैं किसी के साथ बोलती हूँ ना, तो मेरा ऐसा मन करता है कि मैं नहीं बोलती। ऐसा मन आज मेरा हो रहा, बड़ा उदास वाला मन हो रहा। सुबह से ही मैं उठी थी, 4 बजे मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए। जब कन्हैया जी थे तो मैं ना पूरे सावन उनमें, और मैं आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो जब मैं कन्हैया जी के साथ मंदिर में जाया करती थी, पूरे सावन मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया है, उनके साथ जाया करती थी। पूरा 1 महीना मैंने ऐसे ही जल चढ़ाया था। तो ये 3रा साल है। पिछले सावन तो मैं गई नहीं थी क्योंकि ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ, और उससे पिछले साल गई थी उनके साथ। बहुत खुशी खुशी पूजा करी थी भगवान जी की, पर पता नहीं, कहते नहीं जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होके रहता है। मेरी किस्मत में ऐसा था, हो गया। किसी को अपने दिल की बात ज्यादा बता भी नहीं सकती। मम्मी ये पत्ते हटा दो क्या? नहीं बेटा रहन दो, मैं चढ़ा रखी है, अपने आप उतर जाएंगे। तो अब की बार भी मैं ये सोच रही थी कि चलो भाई जैसा कुछ हो गया हो गया, मैं इनके साथ भी अभी ऐसे ही जा रही सावन के महीने में रवि जी के साथ। कल से शुरू किया था मैंने, कल से नहीं परसों से शुरू किया था मंदिर में जाना। सुबह 4 बजे उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, फिर इन्हें उठाती हूँ, ये भी नहाते हैं, फिर पूजा करने जाते हैं, फिर घर आके करते हैं, फिर नाश्ता पानी, यही रोज का रूटीन शुरू हो जाता है। जो रोज का काम करते हैं ये तो कभी खत्म नहीं होता। तो यही सोच रही कि भगवान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करे, जो मैं भगवान जी से मांग रही वो मुझे मुझे एक प्रसाद के रूप में दे। और पता है आपको, जब मैं उनके साथ जाया करती थी ना सावन में कन्हैया जी की, तो उस साल ना सावन में इतनी बारिश होती थी, पर मैं कभी नहीं रुकी, बारिश में भी मंदिर में जाया करती थी मैं उनके साथ। और पता है एक बार तो इतनी तेज बारिश आई थी, पूरी सड़क पे ना गोड्डे तक पानी भर गया था। बस एक दिन रुकी थी मैं, उस दिन कहा था मुझे उन्होंने कि चलो बबली आज तो घर पे ही शिवलिंग पे जल चढ़ा दो और कल चले जाएंगे। बस ये सोच के ना कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता। पिछली बात जब सोचने लगती हूँ ना दिमाग में आती है, आती तो रोज है। जब भी मेरे साथ कोई ऐसा होता है ना, कोई मुझे कुछ गलत बोल दे या मेरे साथ कुछ, मैं ऐसा मतलब कैसे बताऊँ आपको, कैसी जुबान से, कौन सी जुबान से, तो पता है ऐसा याद आता है, ऐसा होता है कि पिछला टाइम वापस आ जा। उनके साथ जब मैं रहती थी मेरी वैल्यू इतनी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। पता है अब मुझे ही लगता है, पता नहीं है भी नहीं मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे मेरा ना रहना घर में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत सवाल मेरे दिल में छुपे हुए हैं, किसी से बता नहीं सकती, आपसे भी नहीं बता सकती। YouTube फैमिली जो मेरी है मैं उनसे भी शेयर नहीं कर सकती कि मैंने क्या खोया और क्या बर्दाश्त, मतलब क्या सहन किया है। और अब देखिए, अब मैं ना छत पे आई थी कपड़े लेके, थोड़े से पापा नहा रहे, मगर चल थोड़े से कपड़े जो मैंने धोए हैं ये फैला दूं, बाद में थोड़े से कपड़े बाकी बचे हुए हैं मैं धो दूंगी, फिर मैं फैला दूंगी। रितु तो गई है स्कूल में पढ़ाने,
और मीनाक्षी बना दी खाना, फिर मुझे झाड़ू पोछा लगाना है। खुद को ना खुद कभी कभी ऐसी सोचती हूँ, मैं तो झाड़ू पोछे वाली बन गई। पता है कुछ भी किसी, आज तो बिल्कुल भी मन नहीं है किसी भी काम में, ना बोलने को मन कर रहा किसी से भी। और वैसे भी मैं सोच रही थी पूरे सावन ना मैं कम ही बोलूंगी, क्योंकि भाई किसी के साथ बोलूंगी किसी को गलत मेरे मुंह से निकलगा तो ये है ना कि गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत कहना नहीं चाहिए, गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। सावन के महीने में बहुत अच्छा, भाई ये महीना बहुत पवित्र महीना है, तो अपने मुंह से कुछ भी गलत ना निकले ये इतनी कोशिश करूंगी मैं। लेकिन मिष्टी की 2 दिन से तबीयत खराब है, वो मैंने कल भी स्कूल में नहीं भेजी थी और पूरी रात उसे बुखार चढ़ा, और सुबह भी इसके पापा ने मना कर दी थी रवि जी ने कि रहने दे, से आज भी रहने दे। कल दिखा के लाए थे वैसे तो डॉक्टर के, बुखार बताया था, इसके गले में इन्फेक्शन बताया। तो अभी और इसकी क्या नाम अंश की भी तबीयत खराब है, इसे भी बुखार चढ़ा हुआ है, ये भी नहीं गई। दोनों बहन खेल रही, देखिए दोनों खेल रही। तो चलिए अब मैं जो काम के लिए ऊपर आई हूँ छत पे उसे खत्म कर लेती हूँ। और देखिए मैं ना ऊपर छत पे आई हूँ, दिन छिप चुका है और तुलसा माता के नीचे दिया लगाना है। ये बत्ती तो पहले ही बांट के घी के अंदर भिगो के रख रखी है मम्मी ने, और बस ये उठा के दिए में लगानी है। देखिए पूरे सावन, वैसे तो सोच रही कि पूरा एक साल ही ऐसे दिया लगाऊं, पर जितना निम्मेगा इतना मैं करूंगी। ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज की वीडियो में इतना ही। आज मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, तो जैसे जो मैंने आपसे अपनी बात शेयर की है कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही हूँ या गलत। और चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।